हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मैप्स के बारे में। तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में। तो एशिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ देख चुके थे हम लोग। अब बात करेंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, याद रखिए, आपके जितने भी मैप्स से संबंधित चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं, वो सभी प्लेलिस्ट सूची में मैप्स के नाम से या मानचित्र के नाम से सूची बनी हुई है, उसी में डले हुए हैं। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की स्थिति के बारे में। मैप्स में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति देखते हैं कहाँ है। ठीक, तो ये है हमारा प्यारा भारत, दिख रहा है आपको? दिखेगा, थोड़ा इंतजार करिए। ये नीचे श्रीलंका है, लक्षद्वीप सागर, अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, ये आपका बांग्लादेश है, यहाँ म्यांमार लगा हुआ है, ये भूटान है, नेपाल है, ऊपर चीन है, ये पाकिस्तान है, और पीओके का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ दिख रहा है, यहाँ लगता है अफगानिस्तान से। ठीक है, ये ओमान है, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर। फिर आए तो ये अंडमान निकोबार है, अंडमान सागर, ये थाईलैंड की खाड़ी है, ये सिंगापुर, मलेशिया, जकार्ता, जावा, छोटा सुंदा द्वीप समूह, इंडोनेशिया। ठीक, यह आपका बांडा सागर, तिमोर सागर, अराक, पुआ, पपुआ न्यू गिनी, बिस्मार्क सागर, सोलोमन सागर। ठीक है, यह है ऑस्ट्रेलिया पूरा, यह है ऑस्ट्रेलिया समूह। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये महान ऑस्ट्रेलियाई खलीज है, एक कोरल सागर है, तस्मान सागर है नीचे। ठीक है, तो इसमें हम लोग, ये न्यूजीलैंड यहाँ है नीचे, ऑकलैंड, तो इसी में देखना है हमें, तस्मानिया है नीचे। ठीक, चलिए इनकी स्थिति देखते हैं हम लोग पर्वत श्रृंखलाओं की, ये कहाँ कौन सी है। ये है आपके ऊपर माउंट बेलहम, बेलहम। ठीक है, इसकी ऊंचाई 4,509 मीटर है, ओसिनियाई का सर्वोच्च शिखर है बिस्मार्क रेंज। ठीक है, माउंट, यही माउंट आपकी विक्टोरिया है, ये माउंट विक्टोरिया है, और नीचे ओवन स्टैनली रेंज कहते हैं इसे। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग नीचे, ओवन स्टैनली रेंज के बारे में आपको याद रखना है, एक बार क्या रखना है, ये पपुआ न्यू गिनी की एक श्रेणी है जिसका सर्वोच्च चोटी है विक्टोरिया। ठीक है, 4,074 मीटर ऊंची है। फिर नीचे आते हैं हम लोग, उससे तो ये गैगरी रेंज है, ग्रेगरी रेंज, ये फैली हुई है पूरी, इसके बारे में आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में स्थित एक पर्वत श्रेणी जिसका उत्तर में यार प्रायद्वीप स्थित है। ठीक है, फिर है आपका ईसा पर्वत, ये दिख रहा है ईसा पर्वत, दिखेगा ईसा पर्वत, ये है आपका ईसा पर्वत। ठीक है, ईसा पर्वत के बारे में आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में स्थित माउंट ईसा खनिजों से युक्त पर्वत है, इस पर्वत में जस्ता, सीसा, चांदी के भंडार मिलते हैं। फिर है आपका इसे ईसा के बाद ड्यूरक श्रेणी, ये आपका ड्यूरक श्रेणी है, देखिएगा ड्यूरक श्रेणी, इसके बारे में आपको याद रखना है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में स्थित एक पर्वत श्रेणी जो किम्बरले पठार के पूर्व में स्थित है। फिर आपका यह है किंग लियो पोल्ड श्रेणी, यह भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में किम्बरले पठार के दक्षिण पश्चिम स्थित 936 मीटर ऊंचाई पर्वत है। ठीक, फिर आए सेल्विन, ये आपकी सेल्विन रेंज है, कौन सी सेल्विन रेंज, इसके बारे में आपको याद रखना है, सेल्विन रेंज के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड में मकर रेखा के उत्तर स्थित एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, फिर ग्रे रेंज, ये पूरी ग्रे रेंज फैली हुई है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के दक्षिणी भाग में पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली हुई है। ठीक है, एक पर्वत श्रेणी है ग्रे रेंज। फिर आपका है मैकडोन,
डोनेल सैनी, ये आपकी मैकडोनेल सैनी है। इसके बारे में आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी राज्य में अवस्थित यह पर्वत सैनी एलिस स्प्रिंग्स के उत्तरी उत्तर फैली है। इसका सर्वोच्च शिखर है माउंट जीन, 1510 मीटर ऊंचा है। फिर नीचे आते हैं तो आयर रॉक है, ये आयर रॉक पर श्रेणी है। फिर ये मुस्केव्स रेंज है। फिर ये आपकी होमर्सले श्रेणी है। कौन सी? होमर्सले श्रेणी। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम स्थित एक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर है माउंट गुरुस। ठीक है, उसके नीचे आए हम लोग तो ये रोमिंगसन रेंज। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ये भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हुई है। ठीक है, फिर उससे नीचे आए तो डार्लिंग रेंज है। कौन सी? डार्लिंग रेंज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिम भाग में तट के समांतर फैली एक श्रेणी है। इसका सर्वोच्च बिंदु है 582 मीटर। ठीक है, फिर आए अपन तो ये फिलेंडर सैंडी। कौन सी? फिलेंडर सैंडी। तो ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्पेंसर की खाड़ी के शीर्ष से उत्तर फैली एक छोटी पर्वत सैंडी। फिर फिलेंडर्स के बाद आपकी आएगी ये बैरियर सैंडी है। कौन सी? बैरियर सैंडी। बैरियर सैंडी के बारे में याद रखना है आपको, इसे मैन बैरियर सैंडी या स्टैनली सैंडी कहा जाता है। न्यू साउथ वेल्स में पश्चिम एक सैंडी जिसका सर्वोच्च बिंदु है 609 मीटर ऊंचा। यहाँ सीसा चांदी तथा जस्ता के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक, फिर आते हैं हम लोग गालर सैंडी। ये आपकी गालर सैंडी है। गालर सैंडी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के आयर प्रायद्वीप में स्थित है। ठीक है, फिर आपकी ये ब्रोकन हिल्स है। फिर यही स्नोई पर्वत है आपका, विक्टोरिया तथा न्यू साउथ वेल्स के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। ठीक है, फिर आपका ये ऑस्ट्रेलियन आल्पस। फिर यहाँ न्यू न्यू इंग्लैंड सैंडी है। कौन सी? न्यू इंग्लैंड सैंडी। फिर याद रखिए कि ग्रेट ये ऊपर से लेकर नीचे तक दिख रही है आपको, ये जा रही ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर एक क्वींसलैंड न्यू साउथ वेल्स तथा विक्टोरिया राज्यों में अवस्थित पर्वत श्रेणी जिस पर ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी कुसियुस्को 2229 मीटर ऊंची है। इस पर्वत की उत्पत्ति भी टर्शियरी युग में हुई थी। ठीक है, याद रखिए। फिर नीचे आते हैं न्यूजीलैंड। ये है आपका दक्षिणी आल्पस। कौन सा? दक्षिणी आल्पस। इसके बारे में याद रखना है, न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के मध्यवर्ती भाग में स्थित एक पर्वत श्रेणी है जिसका सर्वोच्च शिखर है माउंट कुक, 3764 मीटर ऊंचा है। फिर यही आकर ये रिचमंड रेंज है। फिर ये आपका तस्मान पर्वत ये बगल में। ठीक, तस्मान पर्वत के बारे में आपको याद रखना है कि न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप की एक चोटी जो माउंट कुक के पश्चात न्यूजीलैंड की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, 3498 मीटर ऊंची है। यह माउंट कुक राष्ट्रीय पार्क है। यहाँ पर न्यूजीलैंड का सर्वोच्च शिखर माउंट कुक 3754 मीटर ऊंचा है। ठीक है, फिर आए तो रुआहाइन सैनी है। ठीक है, फिर आपकी राव कुमरा सैनी है यहाँ। ठीक है, फिर एक कोरोमंडल सैनी है।
कौन सी? कोरोमंडल सैनी, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर, पूर्वी तट पर स्थित एक पर्वत श्रेणी है। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पे आता था। ग्रेट बैरियर द्वीप के मध्य लगभग 10 मीटर चौड़ी कोरोमंडल चैनल प्रभावित होती है यहाँ से। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग इनकी अवस्थिति, एक मुख्य जो अवस्थिति देख चुके हैं हम लोग, अब इनके जो प्रमुख तत्व हैं जो आपको याद रखना है उन्हें भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। पहली बात करते हैं हम लोग ओवेन स्टैनली श्रेणी, ये पपुआ न्यू गिनी की एक श्रेणी है जिसका सर्वोच्च चोटी है विक्टोरिया, कितनी है? 4,074 मीटर ऊंची है। फिर दूसरी है कोरोमंडल श्रेणी, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित एक पर्वत श्रेणी है। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप तथा ग्रेट बैरियर द्वीप के मध्य लगभग 10 मीटर चौड़ी कोरोमंडल चैनल प्रवाहित होती है यहाँ से। फ्रैकिंग लियोपोल्ड श्रेणी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में किम्बरले पठार के दक्षिणी पश्चिमी स्थित 936 मीटर ऊंची एक पर्वत श्रेणी है। फिर आपकी गाला श्रेणी, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के आयर प्रायद्वीप में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। फिर ग्रेगरी श्रेणी, ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में स्थित एक पर्वत है जिसके उत्तर में यार्क प्रायद्वीप स्थित है। फिर ग्रे श्रेणी, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के दक्षिणी भाग में पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली एक पर्वत है। डार्लिंग श्रेणी है, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में तट के समांतर फैली एक श्रेणी जिसका सर्वोच्च बिंदु है 582 मीटर। ड्यूरक श्रेणी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में स्थित एक पर्वत श्रेणी जो किम्बरले पठार के पूर्वी स्थित है। फ्लैंडर्स श्रेणी, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्पेंसर की खाड़ी के शीर्ष से उत्तर फैली एक छोटी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री आगे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट पर क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स तथा विक्टोरिया राज्य में अवस्थित पर्वत श्रेणी जिस पर ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी कुसी यूस्को 2,229 मीटर ऊंची है। इस पर्वत की उत्पत्ति टर्शरी युग में हुई। फिर मैकडोनेल पर्वत, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी राज्य में अवस्थित यह पर्वत श्रेणी एलिस स्प्रिंग्स के उत्तर फैली है। इसका सर्वोच्च ऊंचा शिखर है माउंट जील 1,510 मीटर। फिर आपका रॉबिन्सन श्रेणी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में पूर्व पश्चिम दिशा में फैली एक पर्वत श्रेणी है। फिर ईसा पर्वत, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में स्थित माउंट ईसा खनिजों से युक्त पर्वत है। इस पर्वत में जस्ता सीसा चांदी के भंडार हैं। सेल्विन श्रेणी, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में मकर रेखा के उत्तर स्थित एक पर्वत रेंज है। फिर स्नोई पर्वत, विक्टोरिया तथा न्यू साउथ वेल्स के दक्षिण पूर्व भाग में ऑस्ट्रेलियाई आल्पस की एक श्रेणी है जहाँ एक महत्वपूर्ण जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र भी है। फिर आपका दक्षिणी आल्पस, न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के मध्यवर्ती भाग में स्थित एक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर है माउंट कुक, यह 3,764 मीटर ऊंचा। फिर हेमरसले श्रेणी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम स्थित एक पर्वत है इसका सर्वोच्च शिखर है माउंट ब्रुस। ठीक है, फिर बैरियर श्रेणी, इसे मैन बैरियर श्रेणी या स्टैनली श्रेणी कहा जाता है। न्यू साउथ वेल्स के पश्चिम एक श्रेणी जिसका सर्वोच्च बिंदु है लगभग 609 मीटर। यहाँ सीसा चांदी तथा जस्ता का निक्षेप पाया जाता है। ब्लू माउंटेन, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में अवस्थित एक पर्वत श्रेणी है। इस पहाड़ी में सीसा चांदी जस्ता के भारी मात्रा में पाया जाता है। फिर तस्मान पर्वत, न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप की एक चोटी है जो माउंट कुक के पश्चात न्यूजीलैंड की दूसरी सर्वोच्च चोटी 3,498 मीटर ऊंची है। यह माउंट कुक, यहाँ पर माउंट कुक राष्ट्रीय पार्क में स्थित है। न्यूजीलैंड का सर्वोच्च शिखर है माउंट कुक 3,754 मीटर ऊंचा। ठीक है, तो चलिए ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियां।
आगे बात करेंगे हम लोग विश्व की प्रमुख पर्वत शिखर बसेडियां, ठीक है, एक नजर में देखेंगे हम लोग विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर और ये जहां स्थिति है उन्हें भी देखेंगे हम लोग, ठीक है।